दोनों टीम के टीम ऑफिशियल्स ने बॉल फेंक दिया और इसी के साथ ये मैच का आगाज हो चुका है। गिलगित भी और चित्राल भी, खूबसूरत शॉट गिलगित के प्लेयर की जानिब से, लेकिन ये बॉल आउट। दोनों टीमों के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी, बड़े एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। बाल बाल कुरा की शांगो के बैगिंग है, इंतजार यो ना हुई बाल जीते सर चुबाल पे सुने की बात पे सर। अच्छा जी, थोड़ा सा ध्यान रखे, ग्राउंड में दो बॉल जो है वो फेंक दिए गए थे। अच्छा जी, इस वक्त के दिलचस्प मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के बी टीमों के माबेन, इसके बाद फाइनल मैच कल खेला जाएगा चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के ए टीम के माबेन। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान गोल करने के बिल्कुल इस वक्त गिलगित के पास एक बहुत ही जबरदस्त मौका था, बजाय तो यूं लग रहा था जैसे गोल स्कोर हो चुका है, लेकिन इकबाल भाई क्या कहेंगे, इकबाल साहब के क्या, इकबाल हुसैन इकबाल साहब क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, क्या लगता है आपको दोनों तरफ से जो है नौजवान और अच्छे प्लेयर्स हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस गेम को? बिल्कुल आकाश भाई, दोनों टीम के प्लेयर यंग है, अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। स्टार्ट से ही ऐसा फील हो रहा है कि ये मैच बहुत अच्छे अंदाज में खेला जाएगा और शाकिन खूब लुत्फानंदोज होंगे। बैक हिट, खूबसूरत हिट चित्राल के प्लेयर की जानिब से, अनदर मिस, लेकिन ये खूबसूरत चांस था, लेकिन घोड़े के पाँव में लगने से गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई और ये आउट। गेंद का रुख मोड़ दिया गोले ने, वरना कंफर्म गोल हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन कोशिश अच्छी कर रहे हैं, इस तरह खेले तो रहे होते हैं। ये मंजे हुए खिलाड़ियों की ये निशानी होती है कि वो गेम के आगाज के साथ अंदर भी बड़ा तजस्सुस और गर्मजोशी देखने को मिल रही है। बहुत एक दिलचस्प मैच है ये, इंशाल्लाह इसको हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। और बिल्कुल इसरार साहब, हम सब मिलके कोशिश करेंगे, हम लोगों को एंटरटेन करें और प्लेयर्स कोशिश करेंगे अपनी टीम को जिताने की। और साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो ऑफिशियल्स हमने जिक्र किया, इसी तरह अगर क्रिकेट टीम की हम बात करें तो मेजर फाद साहब जो मैनेज कर रहे होते हैं पूरी टीम को, जीबी के टीमों को, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और अच्छी टीम लग रहा है कि क्रिकेट बी टीम इस मरतबा अच्छी और बेहतरीन सिलेक्शन की है। और ये खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट राजा वसीम की, और लेकिन ये बॉल आउट। क्या जबरदस्त मुकाबला गिलगित के खिलाड़ी, और ये जो हमारे सामने इन भाइयों से गुजारिश है, प्लीज आप बैठ जाए, हमें भी देखना दे भाई। गिलगित के खिलाड़ी अटैकिंग मूड में जरूर थे, लेकिन चचाल ने खूब डिफेंड किया। उसके बाद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल गोल पोल के पास बॉल, अच्छी चांस है चित्राल टीम के लिए। और ये गोल, और ये क्या जबरदस्त गोल, काफी देर तक बॉल जो है वो पोल के पास रहा। इस वक्त गिलगित के खिलाड़ी गिर चुके हैं और रेस्क्यू 1122 की टीम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्दी वहां पर पहुंचे जी, और पिकल बजा दी गई, मैच को रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए। रेस्क्यू की टीम जल्दी से पहुंचे। चित्राल की तरफ से पहला गोल स्कोर किया गया चित्राल बी टीम की तरफ से। शुरू में बिल्कुल शुरू में जो है गिलगित की तरफ से काफी अटैक्स हुए, लेकिन गोल स्कोर नहीं किया जा सका। उसके बाद चित्राल की तरफ से पहला गोल स्कोर किया गया। काफी देर तक पोल के पास खिलाड़ी आपस में उलझे रहे, उसके बाद गोल स्कोर हुआ और इस वक्त चित्राल को एक गोल की बढ़तरी हासिल। गिलगित के खिलाड़ी
गिर चुके हैं और इस वक्त रेस्क्यू की टीम वहां पे पहुंच चुकी है। अब थोड़ी देर बाद इस मैच का दोबारा आगाज होगा।
रेस्क्यू टीमों के अलावा बाकी लोगों से गुजारिश है कि आप ग्राउंड में जाने से इज्तनाब करें ताकि रेस्क्यू की टीम अपना काम भरपूर तरीके से कर सके। गिल्ली के खिलाड़ी के पास खूबसूरत शॉट, पैरोज का जानदार शॉट, गिलगित के खिलाड़ी बैकफुट शॉट खेल दी और खूबसूरत शॉट एक और खिलाड़ी का, बाल गिलगित के खिलाड़ी के पास, घोड़े को सर पर दबाते हुए चित्राल के खिलाड़ी ने टेक्निकल अंदाज से वापस कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान की गोल पोस्ट की जानिब खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत अंदाज में बैक हिट का मुजाहिरा किया, चित्राल के खिलाड़ी का बैक हिट, खूबसूरत अंदाज राइट साइड पे स्टिक को घुमाते हुए खूबसूरत अंदाज से खेल दिए गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी बाल को गोल की तरफ। और नायक जुल्फिकार अली तुरक हिंदुस्तान के पतौरे की, नायक जुल्फिकार अली जिधर भी है आप अपने कैंप रिपोर्ट करें। बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों टीम्स के प्लेयर, अच्छी शॉट। अच्छी खेल का मुजाहरा कर रहे हैं वसीम भाई, क्या देख रहे हैं आप? धुआं उठ रहा है, धूप लग रही है, हवा चल रही है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला इस वक्त हम सबके सामने जारी है जहाँ पर चित्राल को सिर्फ एक गोल की बर्तरी हासिल है, जो कोई खास बर्तरी आप नहीं कह सकते पोलो में, क्योंकि किसी भी वक्त मुखालिफ खिलाड़ी जो है, मुखालिफ टीम जो है, वो कंप्लेन कर सकती है। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि चित्राल की टीम मजीद गोल स्कोर करें और मैच में अपने गिरफ्त को मजबूत करें, लेकिन इस वक्त बराबरी का मैच है, बराबरी का मुकाबला है। क्या खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, और जिस तरह हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, पूरे साल इस फेस्टिवल के लिए तैयारी रहती है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी तब जाके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लाके मुख्तलिफ टीम्स में सेलेक्ट करती हैं, जो ही टीम्स आगे बढ़ते जाते हैं मजीद स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। जिस तरह आपके सामने इस वक्त बी टीम का मुकाबला जारी है, बहुत ही बराबरी का मुकाबला है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से बहुत ही जबरदस्त अटेम्प्ट, लेकिन गोल स्कोर नहीं किया जा सका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गर्म मैच इस वक्त देखने को मिल रहा है। हम ये जब चित्राल में या गिलगित में भी मुकाबला तौर पे जब टीमें खेलती हैं तो इनके सपोर्टर्स के अंदर जो एक जज्बा होता है वो दीदीनी होता है, और आज यहाँ पे तो आप देखें कि चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान जो मुकाबला हो रहा है, और बेहतरीन टीमें हैं ये दोनों टीमें, और खिलाड़ी बहुत मंजे हुए और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, और देखें बहुत दीदीनी एक तजस्सुस पाया जाता है तमाम शायकीन के अंदर, और बड़े गौर से और इनहमाक से देख रहे हैं आप, देखें कि जो दिलचस्पी पाई जाती है वो बहुत दिलचस्प, वो दीदनी है। इस वक्त देखें कि जिस तरीके से ये गर्मा गर्म मैच चल रहा है दोनों टीमों के दरमियान, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही आप देखें कि बड़ा बेहतरीन एक ज़बरदस्त गेम चल रहा है, और उस दौरान आप शायकीन को आप देखें, शायकीन के तजस्सुस का आप नज़ारा करें, और जिस अंदाज में बैठ के शायकीन इस खेल को देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ्री स्टाइल खेल में कितनी दिलचस्पी है यहाँ के लोगों की। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और इस वक्त सुबह से अभी तक जो है धूप पड़ी है, और इस वक्त हम हाईएस्ट पोलो ग्राउंड में जहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्राउड बहुत चार्ज है इस मैच को लेकर, और बी टीम का मैच जो ही शुरू हुआ है गेंद के साथ खिलाड़ियों के साथ शोर मचा रहे हैं, तो मैं ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों से खिलाड़ियों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे शायकीन मौजूद हैं, उनसे मैं कहूँगा ज़रा शोर मचाएं, ज़रा दिखाएं कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं गिलगित की टीम को। और ये चित्राल की जानिब से गोल, तीसरा गोल, बहुत दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी है, सारी है मैच का पहला हाफ जारी है,
शाइकिन अपनी टीम को प्यार दे रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के शाइकिन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। यही तो टीम और पोलो की खूबसूरती है, फ्री स्टाइल पोलो। इस वक्त दुनिया के हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर में जारी और सारी है। अच्छा जेस्चर्स दिखा रहे हैं प्लेयर्स आपस में, हंसी मजाक के साथ मैच खेल रहे हैं। यही तो मोहब्बत है, यही तो भाईचारगी है, यही तो अमन का पैगाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। चित्राल के खिलाड़ी अदनान थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टिक स्टिक से टकराए, उसके बाद हंस के जो है आपस में गुल मिल गए खिलाड़ी। और यह जबरदस्त शॉट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, लेकिन गोल पोल से बाहर। तो जिस तरह हम कह रहे थे कि फ्री स्टाइल पोलो, और इस मैच में यकीनन आप देख सकते हैं कि सही तरीके से फ्री स्टाइल पोलो का मुजाहिरा किया जा रहा है, जहाँ पे अभी तक खिलाड़ी जो है वो घोड़े से गिर भी गए हैं और फिर यहाँ पे स्टिक स्टिक से टकरा रहा है और खिलाड़ी घोड़ों से एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के स्टिक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जो फ्री स्टाइल पोलो का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इकबाल आप? बिल्कुल आकाश भाई, हम अगर देखें तो यही फ्री स्टाइल पोलो चतराल और गिलगित बल्तिस्तान में खेली जाती है और ये अच्छी चॉइस गिलगित की टीम के लिए। और ये गोल गिलगित की जानिब से, गोल बहुत खूबसूरत गोल और बॉल को कैरी करते हुए ले जाकर गोल। और इस वक्त गिलगित के शाइकिन अपनी गिलगित की टीम को दाद दे रहे हैं, तुम्बिक लेके आ रहे हैं, खूबसूरत शॉट लेकिन जो बॉल मिस। अच्छी खेल का मुजाहरा, बेहतरीन खेल का मुजाहरा। और इसी के साथ मैच का पहला हाफ कंप्लीट। अब तक लाइन क्रॉस किया, सॉरी फेल हो गई है। जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे कि फ्री स्टाइल पोलो है और इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं, लेकिन कुछ उसूल्स हैं, उसूल्स को फॉलो करना होता है। जिस तरह ठोकी लेके आ रहे हैं, तुम्बक लेके आ रहे हैं, लाइन को क्रॉस नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते कि आप बॉल को लेके सेंटर लाइन से जो है अब आगे नहीं जा सकते। अगर आप आगे जाते हैं तो बिगल बजा दी जाती है और मैच को रोका जाता है और दोबारा से मैच शुरू किया जाता है। इसमें दोबारा मैच शुरू किया जा चुका है। ये खूबसूरत खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से राजा वसीम यासीन से ताल्लुक रखते हैं, निशान हैदर लालिक चांद के गांव से ताल्लुक रखते हैं। खूबसूरत खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं राजा वसीम, शोदा की सरजमीन वादी गजर यासीन से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही यंग टैलेंटेड प्लेयर, बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। और इस वक्त स्कोर बोर्ड में आप देखें चित्राल 3 और गिलगित बल्तिस्तान 2 के साथ ये गेम जारी है। ये मैच पोलो मैच गिलगित बी और चित्राल बी के दरमियान, बहुत अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों के, बहुत दिलचस्प मैच। और ये जितना खेल दिलचस्प है उतना ही शाइकिन का जोश जज्बा दीदनी है। बेहतरीन बैक हिट चित्राल के प्लेयर की जानिब से, लेकिन बाल आउट। थ्रो के बाद दोबारा बाल सेंटर लाइन के करीब और गिलगित बल्तिस्तान के प्लेयर की जानिब से अच्छी शॉट और एक नंबर के पास बाल है गिलगित के। खूबसूरत बैक हिट चित्राल के डिफेंडर की जानिब से, लेकिन खूबसूरत शॉट चित्राल के डिफेंडर की जानिब से। खूबसूरत बैक हिट, बहुत अच्छी खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं चित्राल के प्लेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान के प्लेयर्स। खूबसूरत शॉट बैक हिट चित्राल के प्लेयर की जानिब से। क्या खूबसूरत और जबरदस्त मुकाबला इस वक्त शंदूर पोलो ग्राउंड में जारी है। गिलगित
बी और चित्राल बी टीमों के माबे। इस वक्त स्कोर चित्राल की तरफ से 3 और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से 2। एक गोल की बढ़तरी हासिल है चित्राल को और बराबरी का मुकाबला है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं जिनमें हम ये भी कह सकते हैं कि वन साइडेड थे, जिनमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। इस वक्त दिलचस्प मुकाबला जारी है। खामोशी से तमाम शायकीन देख रहे हैं कि कब गिलगित के शायकीन इस इंतज़ार में, कब हमारी टीम गोल करे, और चित्राल के शायकीन जो है वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कब चित्राल गोल करके अपने पोजीशन को मज़ीद मुस्तकम करें। बिल्कुल आकाश भाई, इस वक्त कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि यह टीम जीत जाएगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला है। गिलगित बी टीम के प्लेयर्स के नाम कुछ इस तरह हैं। टीम कैप्टन है मोहम्मद, जुल्फिकार, राजा वसीम, सईदुररहमान, नासिर और 6 नंबर पे शकील। इसी तरह चित्राल के असगर खान कप्तान 1 नंबर पे खेल रहे हैं, असगर हुसैन, मोहम्मद इलियास, फिरोज अली खान, इरफान अली खान, अलहाजुर रहमान और अदनान अहमद 6 नंबर पे मौजूद है। और ये घोड़ा बाहर चला गया। खूबसूरत डिफेंडिंग, खूबसूरत डिफेंडिंग। क्या जबरदस्त मौका गिलगित बल्तिस्तान के पास। बाहर तो यूं लग रहा था जैसे गोल स्कोर हो चुका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफेंड किया वहां पे मौजूद चित्राल के खिलाड़ी ने। और इस वक्त सेंटर लाइन पर साइकिल को मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल ग्राउंड के साथ बिल्कुल जुड़े हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है थोड़े से पीछे हो जाएं ताकि जो पोलो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो और किसी हादसे का शिकार आप भी ना हो जाएं। जबरदस्त लॉन्ग हिट चित्राल के खिलाड़ी की तरफ से, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी चित्राल के पास है। मजीद अपनी पोजीशन को मुस्तकम बनाया जा सकता था लेकिन रुख को सही नहीं जोड़ सके गोल पोल के साथ। खूबसूरत बैक हिट गिलगित के प्लेयर्स की जानिब से, अच्छी बैक हिट चित्राल के डिफेंडर की जानिब से। खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट, बिल्कुल पोल के करीब बॉल। ये कमेंट्री बॉक्स के सामने और दाएं बाएं जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश है प्लीज आप नीचे बैठ जाए, यहां से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वक्त दिलचस्प खेल का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स, चित्राल बी और गिलगित बी, और ये लाइन के बिल्कुल करीब, लेकिन गिलगित के प्लेयर ने बाल बाहर किया। लंबा लंबा मैच में तेजी और फुर्ती पैदा होती जा रही है। घोड़ों को दुर्सवार बर्फ रफ्तारी से चाबुक मार के बाल के पीछे दौड़ाते हैं। खूबसूरत अंदाज में बाल को खेलने की कोशिश वसीम का और गिलगित के खिलाड़ी का एक बार फिर खूबसूरत शॉट बैकिंग का मुजाहिरा। खिलाड़ी मौजूद चित्राल के, फिरोज घोड़े को दौड़ा के बाल के पीछे खूबसूरत शॉट बिगल, मैच रोक दी गई है। इसी के साथ मैच का पहला हाफ कंप्लीट हो चुका है। शायकीन से गुजारिश है कि आप ग्राउंड में कम जाए प्लीज। अच्छा जी, आर्मी सोल्जर कलीमुल्लाह का लिए आज के इस मैच का सेकंड हाफ बाकायदा स्टार्ट हो चुका है और दूसरे हाफ में सिर्फ 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक रूल यह है कि अगर मुखालिफ टीम में
कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाता है या फिर कोई घोड़ा जख्मी हो जाता है, किसी भी तरह से खिलाड़ी खेल नहीं पाता, तो उसकी जगह खिलाड़ी को खिलाया नहीं जाता बल्कि दूसरी टीम से भी एक खिलाड़ी को कम किया जाता है। इस वक्त 5-5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये मैच जारी, गिलगित बल्तिस्तान और चट्राल के बी टीमों के माबेन। इस वक्त चट्राल को एक गोल की बतरिया से स्टिक हाथ से निकल गई, और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ तमाम शाकिन से थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़ा सा पीछे रहें ताकि किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। जी आकाश, एंड्रयू ने एक बात की जिससे मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया, वो ये कि इसने कहा कि ये जो पहलू मैच है चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान का, इसने कहा कि ये ओरिजिनल है और इसने हिस्टोरिकली इसने एक यूनिवर्सल ट्रूथ और साबित किया कि ये एक ओरिजिनल फ्री स्टाइल पहलू है और हमारे कल्चर्स को उसने सराहा। त्यौहारों में भी बहुत अच्छी शॉट आ जाती है, खूबसूरत शॉट। सामीन, गिलगित बी और चित्राल बी के माबेन मैच का सेकंड हाफ जारी है। इस मैच के भी मेहमान खुसूसी डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब है, जिनका हम मशकूर है, जो सुबह से इस मैच तक हमारे साथ है। यकीनन एक अच्छे आवामी नुमाइंदे की यही पहचान होती है, जो आवाम के दरमियान रहते हैं और अपने कल्चर और अपने लोगों से मोहब्बत रखते हैं। हम सलाम पेश करते हैं नज़ीर एडवोकेट साहब डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को, कि जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अपनी ताउन हमेशा करते रहते हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट, अजीज रीडर कुरा के असुस ब्रार तजार तेज कैंप पटोरे डीसी साहिब और रीडर अजीज कैंप पटोरी गाड़ी इश्तियाक को हवाला को कुरा दिखे असुस तजार तेज। शानदार मैच जारी है, 3-2 का मुकाबला, कांटे का मुकाबला, लम्हा ब लम्हा तेजी आ रही है। दोनों पोलो टीम के खिलाड़ी मंझे तजुर्बाकार और पोलो के मायनास खिलाड़ी हैं, जिनकी सिलेक्शन कोई से 62 टीमों में से होके वो चुने गए हैं और अपनी जो महारत है इसका मुजाहिरा कर रहे हैं। खूबसूरत शॉट गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी का, दोबारा शॉट चित्राल के खिलाड़ी और गिलगित के खिलाड़ी के दरमियान कशमकश। गिलगित के खिलाड़ी ने बाल को खूबसूरत अंदाज में गोल पोस्ट की जानिब ले गए हैं और बाल आउट हो गई, इस तरह ये साइड लाइन क्रॉस कर गए। बहुत अच्छा मैच इस वक्त चल रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। जी मेरे साथ बैठे हैं वसीउद्दीन आकाश साहब, आप हमारे कमेंटेटर हैं, चित्राल से आपका ताल्लुक है। जिस तरह आप सुबह भी बता रहे थे कि ये सिलेक्शन का एक बड़ा प्रोसेस होता है और गोल। चित्राल की तरफ से एक और गोल, अलहाज बहुत ही खूबसूरत एक गोल, अभी चित्राल की तरफ से अलहाज ने ये गोल किया है, बहुत खूबसूरत गोल। जी आकाश साहब, हम बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस का, तो कैसे होता है ये सिलेक्शन प्रोसेस की, ये इतने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ एरियाज से, चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों से और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से, किस तरह ये सिलेक्शन करते हैं और क्या क्या प्रोसेस है जहाँ से गुजर के ये इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे आते हैं? बहुत शुक्रिया। ये बात जो आपने पूछी है कि सिलेक्शन प्रोसेस असल में किस तरह से होता है, जिस तरह मैंने कहा कि तैयारी तो पूरी साल रहती है, हमेशा खिलाड़ी इस तैयारी में रहते हैं कि वो शंदूर पोलो फेस्टिवल का हिस्सा बने। और शंदूर पोलो फेस्टिवल का इनेकाद जब होता है, इससे एक माह या डेढ़ माह पहले या दो माह पहले जो है चित्राल में एक टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसमें तमाम खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों के नुमाइंदगी करते हैं और खेलते हैं। तो उसमें एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखकर उनकी सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद डी से लेकर सी से लेकर बी और ए टीम में इस तरह के सिलेक्शन कराते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको मैं अगर बयान करने बैठूं तो काफ़ी टाइम लगे। मैं
इकबाल हुसैन, इकबाल साहब से जानना चाहूंगा कि गिलगित की तरफ से क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल आकाश साहब, जहां तक हम गिलगित की बात करें तो गिलगित में भी यही होता है। गिलगित में ये होता है कि जो भी टीम फाइनल जीत जाती है वो शंदूर के लिए आ जाती है, और इसके अलावा अगर किसी उसी टीम में कोई प्लेयर अगर कमज़ोर होता है तो दूसरी टीम से डाल के उनकी परफॉर्मेंस की बिहाफ पे ही टीम की सिलेक्शन होती है। और साथ एक ऐलान है, पुलिस जवान है फतेहुल्लाह साहब, इनका कोई मोबाइल गिरा है और स्क्रीन में बच्चे की तस्वीर भी है, जिस किसी को भी मिली है वो स्टेज तक पहुंचा दे प्लीज। एक और ऐलान है, WHO के डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर वली खान और हारून हयात साहब हैं, इन तीनों के लिए उनका साथी हमारे स्टेज के लेफ्ट साइड पे जो ब्लू कलर में जो स्पीकर्स लगे हुए हैं वहाँ पे उनका साथी खड़ा है और उनका वेट कर रहा है, डॉक्टर अमजद साहब, डॉक्टर वली साहब और हारून हयात साहब WHO के। आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथी से रब्ता करें। एक और अनाउंसमेंट है, आखान हेल्थ सर्विस के ड्राइवर तमार, जहाँ कहें भी है आप अपनी गाड़ी के पास जा पहुँचे। AHSP के ड्राइवर तमार, जहाँ कहें भी है आप अपनी गाड़ी के पास जा पहुँचे। दिलचस्प मुकाबला इस वक्त आपके सामने जारी। चिताल को इस वक्त 2 गोल की बर्तरी हासिल है और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से 2 गोल स्कोर किए गए, उसके बाद उसके अलावा चचाल की तरफ से 4 गोल स्कोर किए गए और वाजह 2 गोल की बर्तरी। गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी ये अहलियत रखते हैं कि वो किसी भी वक्त कम्बे कर सकते हैं और चचाल के खिलाड़ी भी किसी भी वक्त अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तकम करके अपने गिरफ्त को मजीद मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त आपके सामने जारी। ये सेकेंड लास्ट मैच है, उसके बाद जो फाइनल मैच होगी वो कल चिताल ए और गिलगित बल्तिस्तान की ए टीमों के माबेन होगी, जो कि कल यहां पर खेला जाएगा। अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स। अब तक के गोल स्कोर के मुताबिक चतराल 4 गिलगित 2। मैच का सेकंड हाफ जारी है। इलियास, जिसका ताल्लुक चतराल के सबसे खूबसूरत गांव रेशन से है, रेशन को चतराल वाले अक्सर जिंदा दिलाने चतराल के नाम से याद किया जाता है। इलियास बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं चतराल की जानिब से। चतराल के तमाशाई से गुजारिश है, इलियास के लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए। गिलगित टीम से राजा वसीम बेहतरीन खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन खेल का उन्होंने मुजाहिरा किया। उनके सपोर्टर से गुजारिश है कि वो राजा वसीम के लिए तालियों की गूंज में उनका सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों की खूबी है कि इनके बाल से इकबाल हुसैन, इकबाल आप जरा तवज्जो फरमाएं, आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम बैक शॉट में जो बैक शॉट खेलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी बड़े जम के खेलते हैं और बड़े टेक्निकल अंदाज से खेलते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के प्लेयर्स जो इस वक्त खेल रहे हैं
वो गिलगित बल्तिस्तान के मंझे हुए प्लेयर्स हैं, और जहां तक हम शंदूर की बात करें तो यहां परफॉर्मेंस लो भी हो जाती है, वो इसलिए कि हाइट है घोड़ों जिनके जिसके घोड़े अच्छे हैं वो टीम जीत जाती है। तो यकीनन दोनों टीम के प्लेयर्स अच्छी खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, और दोनों टीमों की यही कोशिश है कि इस मैच को अपने नाम करें और अपनी टीम को जितवा दें, जिसके लिए मैं पूछना चाहूंगा आकाश साहब से, आप क्या कहेंगे इस वाले से? यकीनन बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैं दोनों टीमें, और हर तरह से शॉट खेलते हैं, और जिस तरह से फ्री स्टाइल पोलो को परफॉर्म किया जाता है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सही मानों में फ्री स्टाइल पोलो इस वक्त देखने को मिल रहा है शंदूर के पोलो ग्राउंड में, और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी, और चित्राल की तरफ से भी जिस तरह कुछ खिलाड़ियों का जिक्र नूरुल हुदा ने किया, चित्राल की टीम में शामिल बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी अपने सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं, इस वक्त 4 गोल स्कोर कर चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी 2 गोल स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। किसी भी वक्त कमबैक किया जा सकता है, और किसी भी वक्त चित्राल के खिलाड़ी अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तकम करके अपने गिरफ्त को मजीद मजबूत कर सकते हैं। मैं एक ऐलान करते चलूँ, फतहुल्ला साहब आपका मोबाइल हमारे पास है, आप जरा के अपना मोबाइल रिसीव करें। अच्छा जी, मैच के अलावा अगर हम शाइकिंग की बात करें तो कल से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप लोग यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और जिस तरह से एक बर्दाश्त हमारे अवाम में है, हमारे लोगों में है, ये मिसाल कहीं और नहीं मिलती, और भरपूर तरीके से दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैच को इंजॉय कर रहे हैं। अलबत्ता अपनी टीम के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि शाइकिन जो है वो पोलो को इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तमाम शाइकिन जिन जिन तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप सबसे कहूँगा ज़रा शोर मचा के बताएं कि कौन कौन पोलो मैच को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बताएं कि कौन कौन यहां पे बैठे हुए हैं जो गिलगित बल्तिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। चार्ज बहुत लो है आप लोगों का, जरा मैं चित्रालियों से पूछूं कि चित्राल को सपोर्ट करने वाले शाइकीन जरा शोर मचाएं। चित्राल के क्राउड अभी चार्ज है, इकबाल साहब बिल्कुल चार्ज है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, मेहमान नवाज है, जिनकी मेहमान नवाजी की मिसाल कहीं नहीं मिलती है, और जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरह हम देख रहे हैं इस वक्त क्रोट दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा है, और अच्छी चांस थी, लेकिन बाल बाहर चला गया। तो मैं जिक्र कर रहा था यहाँ के, यहाँ जो मौजूद है शाइकीन अपोलो, जो अपनी अपनी टीमों के साथ साथ जो भी प्लेयर अच्छी खेल का मुजाहरा कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी आकाश साहब और इकबाल साहब या अफ्ताली साहब, आपसे मेरा इत्तेफाक है कि देखें जो बहुत सारे ऐसे शायकीन होते हैं जो किसी एक टीम की सपोर्ट नहीं करते बल्कि वो खेल की सपोर्ट करते हैं, और जो खिलाड़ी अच्छा प्ले करता है उसको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको वो दाद दे रहे होते हैं। बहुत सारे गैर जानिबदार सपोर्टर्स हैं जो बैठ के सिर्फ मैच में जो गर्मा गर्मी है उसको इंजॉय करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब हम ये बात कर रहे थे कि हमारे कल्चर का एक बेहतरीन एक सेगमेंट है ये पोलो, इसके अलावा भी आप देखें म्यूज़िक के अंदर, हमारे लैंग्वेजेस के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को बाकी दुनिया से मुनफरिद करती हैं, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को। आप चित्राल का म्यूज़िक जो है, गिलगित बल्तिस्तान में लोग, बहुत सारे लोग ख्वार ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन चित्राल की म्यूज़िक से यकीनन वो वाकिफ़ हैं, उसको बहुत इंजॉय करते हैं, और ऐसा ही यकीनन चित्राल में भी होगा जो गिलगित बल्तिस्तान की म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये भी हमारी एक मुश्तरकात में से एक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मुश्तरकात हैं, हमारा कल्चर सेम है,
रहन सहन सेम है, और जुबान की बात करें तो ख्वार जुबान चित्राल में भी बोली जाती है और गेजर के अंदर भी आधी आबादी हमारी जो है वो ख्वार जुबान बोलती है, और ख्वार की जो म्यूजिक है वो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पसंद से, बहुत शौक से सुनी जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान की म्यूजिक को चित्राल के अंदर सुनी जाती है, यही और मैच का सेकंड हाफ जारी है। इस वक्त गोल के पास बॉल, अच्छी शॉट थी लेकिन यकीनी गोल को रोके रखा घोड़े ने। क्या तरीका अपनाया खिलाड़ी ने, स्टिक को फेंक के रोकने की कोशिश की लेकिन चित्राल के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे गए। जबरदस्त शॉट गिलगित के खिलाड़ी की तरफ से, इस वक्त चित्राल के गोल पोल की जानी बढ़ते हुए गिलगित के खिलाड़ी बॉल को लेके एक जबरदस्त मौका इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी के पास है लेकिन मिस कर गए। अगर गोल पोल की जानी पर बॉल की डायरेक्शन होती तो यकीनी तौर पर गोल स्कोर हो सकता था, और इस वक्त गिलगित के खिलाड़ी घोड़े से गिर चुके हैं और बगल बजा दी गई है और मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। थोड़ी देर बाद मैच का दोबारा आगाज होगा। एक ऐलान है कि आज अगर किसी ने गिलगित जाना है आज, तो हमारे दो साथी हैं जर्नलिस्ट हैं वो जाना चाहते हैं, अगर किसी ने गिलगित जाना है आज और उनके पास गाड़ी में जगह हो तो वो काइंडली इधर इन्फॉर्म कीजिएगा, हमारे ये दो साथी जर्नलिस्ट आपके साथ गिलगित आएंगे। शुक्रिया। जिस तरह आकाश भाई ने कहा कि पहले फ्री स्टाइल पोलो में यही होता है कि जो टीम एक कोई प्लेयर या कोई घोड़ा सब भी होता है, तो उस अगर हम शंदूर पोलो ग्राउंड से देखें तो बिल्कुल हमारे फ्रंट पे झील, हमारे बैक साइड पे एंड पे झील, और झीलों के दरमियान दुनिया का खूबसूरत तरीन पोलो ग्राउंड, टूर इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे आज के इस खूबसूरत मैच से लुत्फंदोज हो रहे हैं। इसरार साहब क्या, और इस वक्त चार चार प्लेयर्स मैच खेलेंगे। अच्छा इसरार साहब, एक अहम बात ये भी है कि हमारी बहनें भी एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, वो भी ये खेल देखने के लिए आई हैं मुख्तलिफ जगहों से, उनको भी हमें वेलकम कहना चाहिए, और यकीनन वो मैच देखने के लिए आई है यहाँ पे, हमारी बहनों की भी एक तादाद मौजूद है और उनको हम बाज़ाबता तौर पर इस स्टेज से और मुंतज़मीन की तरफ से उनको वेलकम कहते हैं, और बाहर से भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, नेशनल हमारे टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, उन सबको हमें एक अच्छा माहौल देने की हमारी इंतज़ामिया ने कोशिश की है, और इससे अच्छा भी आवाम की तरफ से भी उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि हम टूरिज्म प्रमोशन को यकीनी बनाएं, और यही पोटेंशियल है जो कि मुस्तकबिल में यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की माशी हालत को बेहतर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए ये शोबा जो है अहम किरदार अदा कर सकता है, और यूथ इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, विंटर टूरिज़म को, समर टूरिज़म को प्रमोट करें, और इस फेस्टिवल के इनकाद के लिए मुस्तकबिल में भी बहुत ज़्यादा काम मिलकर करने की ज़रूरत है चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, ताकि इसको इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। बिल्कुल इसरार साहब, ये जहाँ कहीं यूथ एक अहम रोल अदा कर सकती है नौजवानों के लिए, तो नौजवानों की अगर बात करें तो नौजवानों के लिए एक पैगाम मेरा, दिलों को असबियत से पाक रखना, दिलों को असबियत से पाक रखना, तासुब का गिरेबा चाक रखना, ये धरती आपका दिलकश चमन है, चमन हमसाया है अफलाक रखना, बचे रहना हमेशा साजिशों से, बुलंद किरदार को बेबाक रखना,
बचे रहना हमेशा साजिशों से बुलंद किरदार, बचे रहना हमेशा साजिशों से बुलंद किरदार को बेबाक रखना, बुलंद किरदार को बेबाक, बुलंद किरदार को बेबाक रखना, बेबाक रखना। ये धरती आपका दिलकश चमन है, चमन हमसाया अफलाक रखना, शुमाली उल्फतों की चादरों से बनाकर जेब तन पोशाक रखना, दिलों को असबियत से पाक रखना, तासुब का गिरेबा चाक रखना। क्या जबरदस्त दोची, तासुब का गिरेबा चाक रखना, बहुत ही जबरदस्त शायरी से काफी दिलचस्पी है आपको। इकबाल हुसैन इकबाल साहब जो कि खुद भी एक शायर हैं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और चिताल की तरफ से चार चार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मुकाबला, जिसमें चिताल को दो गोल की वाजह बर्तरी हासिल है। क्या जबरदस्त मुकाबला आज देखने को मिला, कल के आखिरी मैच में भी इसी तरह का समा था और आज भी एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आपके सामने जारी है, और वक्त गुजरने के साथ साथ अपने खिताबी मराहिल की तरफ जाते हुए ये मैच। आपके सामने शानदार मैच जारी है गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल बी टीमों के दरमियान। चित्राल बी टीम दो गोल की वाजह बर्तरी से 4-2 का मुकाबला जारी है। फेरोज बाल को लेके आगे बढ़े, खूबसूरत अंदाज में सर पर घोड़े को दौड़ाते हुए बाल के पीछे और ड्रिप करते हुए ले गए हैं गोल पोस्ट की जानिब। देखना पड़ेगा कि ये गोल या कश्मकश, और गोल तरफ 5 गोल चित्राल का। तंबूक ले आ रहे हैं, तंबूक ले आ रहे हैं अलहाज उलेमान, अलहाज अपने महसूस अंदाज में खूबसूरत अंदाज में घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए सेंटर लाइन की जाने तंबूक ले आ रहे हैं। खूबसूरत शॉट तंबूक का मुजाहिरा, और एक बार फिर खेल दिए हैं और तीसरी बार और साइड लाइन क्रॉस कर दी। क्या जबरदस्त मुकाबला, इस वक्त चित्राल की पोजीशन मजीद मुस्तकम और गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई है। इस वक्त तलाश की तरफ से एक और गोल स्कोर किया गया और जबरदस्त तंबूक लेके और फिर एक और मौका है चित्राल के पास गोल स्कोर करने का, और एक और गोल चित्राल की तरफ से लेके बाती करे बहुत ही कम वक्त में दो गोल स्कोर किया और अपनी पोजिशन को मजीद मुस्तकम किया। 6 गोल स्कोर किए चित्राल की तरफ से और तंबूक को लेकर धीरे धीरे से सेंट्रल लाइन की जानिब आते हुए एक और गोल अलहाज का, एक और गोल अलहाज खूबसूरत मैच का मुजाहिरा कर रहे हैं, दोबारा तंबू में आ रहे हैं अलहाज घोड़े को आयस्तगी से और अब घोड़े को चाबूक मारते हुए सेंटर लाइन की जाने हिलाते हुए और मिस कर गए। गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी मौजूद बॉल को बैक कर रहे हैं, खूबसूरत पैकिंग का मुजाहिरा। चित्राल के खिलाड़ी में अलहाज का एक और खूबसूरत शॉट, 7-2 का मुकाबला। और हमारे राइट साइड में चित्राल की बैंड पार्टी शहनाई बजा, क्या खूबसूरत माहौल इस वक्त ग्राउंड में, क्या खूबसूरत समा, तालियां बजा रहे हैं शायकीन और एंजॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं इस मैच से जो कहते हैं खत्म मराहिल में दाखिल हो चुका है। चित्राल जीत के करीब है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से काफी देर तक चित्राल के खिलाड़ियों को रोके रखा और एक और गोल चित्राल की तरफ से। मुख्तसर से वक्त ने चित्राल की तरफ से 4 गोल स्कोर किए गए, मिनटों के हिसाब से स्कोर किए जा रहे हैं चित्राल के खिलाड़ी।
चार चार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कप्तान लेकर आ रहे हैं चित्राल के खिलाड़ी। हिट नहीं कर सके बेहतर तरीके से, लेकिन चित्राल की पोजीशन इस वक्त बहुत बेहतर हो चुकी है और चित्राल इस वक्त मैच में अपने गिरफ्त को मजबूत करने के साथ चित्राल को कामयाबी, और इसके साथ चित्राल बी टीम ने गिलगित बी टीम के खिलाफ, और तमाम शायकिन से गुजारिश है थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करें, पुलिस के जवानों के साथ तआवुन करें। थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्ट होगी, उसके बाद आज का ये प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। आज के दिन के जो खेल थे वो अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे।